अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस इज़ नसीम ज़ुल्फ़िकार और मेरे स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए कैप फॉर्म का रिज़ल्ट आ गया है और वो अपने कॉलेज का नाम चेंज करवाना चाहते हैं। उसके प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से कॉलेज पर क्लेम किया जाता है और कॉलेज का नाम किस तरह चेंज किया जाता है और आपके जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसके डिफरेंट कॉलेज में आप एडमिशन किस तरह से हासिल कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको सीकेट की वेबसाइट जो यहाँ पर एड्रेस मेंशन है, सीकेट की वेबसाइट पर आपको जाना है और उसके बाद सबसे पहले ऐसे कट ऑफ जो परसेंटेजेस है इस पर क्लिक करना है। जब कट ऑफ परसेंटेजेस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस ईयर के जो कॉलेजेस हैं तमाम कॉलेजेस के कट ऑफ परसेंटेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जो आपकी फैकल्टी है जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं तो फैकल्टी पहले उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे कट ऑफ कॉमर्स मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ कॉमर्स के सारे कॉलेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से आ गए। अब मुझे मेरा जिस कॉलेज में आया मुझे कॉलेज चेंज करना है तो उसको याद रखना है कि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है जिसके कट ऑफ या तो आपके मैट्रिक के मार्क्स के बराबर है या आपके मैट्रिक के मार्क्स के कम है। तो अपने मार्क्स से ज़्यादा वाले मार्क्स वाले कॉलेज में आप किसी भी सूरत में क्लेम नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर अब आप यहाँ जाते हैं सी कैप की वेबसाइट पर और यहाँ क्लेम कॉलेज पर आप क्लिक करते हैं। फिर आप अपने NIC और जो है वो मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। सबसे पहले आप अपनी NIC फिलअप करें, फिर उसके बाद अपने मैट्रिक का जो रोल नंबर है आपका तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट करें कि सर आपने पास किया और प्रोसीड पे क्लिक कर दें। यहाँ आपके पास सेलेक्ट चॉइस ऑफ फैकल्टी आ जाएगी तो आप फैकल्टी भी चेंज कर सकते हैं क्लेम करते हुए। जैसे कि अगर आप अपने इंजीनियरिंग से कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं या कॉमर्स से मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं यहाँ पर वो चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉमर्स डाल दिया और अब यहाँ पर जो कॉलेजेस के नेम सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है, ये किस कॉलेज में आपको चेंज करना है मतलब किस कॉलेज में आपको जाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जब आपके परसेंटेजेस अगर बहुत अच्छे होंगे तो इसमें जो अच्छे कॉलेजेस होंगे या जो टॉप के कॉलेजेस होंगे उनके नेम नहीं आ रहे होंगे यहाँ पर नीचे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ उन कॉलेजेस के नेम आ रहे हैं जिनके सीट्स बची हुई हैं जिन पर एडमिशन नहीं हो पाया है। और लेट्स सपोज से इनमें से अगर किसी कॉलेज में जाना है अगर आपकी परसेंटेज कम है तो उस कॉलेज में आप क्लिक करके जो भी कॉलेज आपके पास उस कॉलेज में आप क्लिक करके आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका एडमिशन यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा साथ साथ। फिर आप डायरेक्ट इस कॉलेज में जाकर जब एडमिशन गेट कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन कॉलेजेस में अपने कॉलेज का नाम नहीं दिख रहा, जो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट उस कॉलेज में जाना पड़ेगा अपनी मेट्रिक की मार्कशीट लेकर, ओरिजिनल और कॉपी दोनों लेकर, और फिर वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर वो ऑनलाइन क्लेम सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में हो रहा है जिन कॉलेजेस में सीट बची नहीं है। और अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो सूरत में आपको कट ऑफ के लिहाज से यहाँ वो कॉलेजेस के नाम नहीं दिखेंगे। तो आप परेशान मत हो, आप डायरेक्ट कॉलेज जाएँ और कॉलेज जाने के बाद जो डिजायर्ड कॉलेज आपका है उस कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पर मार्कशीट शो करके आप जो है वहाँ से एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं। आई होप सो कि आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से क्लेम करना है और क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो आज ही क्लेम सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो आप तमाम स्टूडेंट्स इसमें क्लेम कर सकते हैं और कॉलेज का नाम चेंज करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कॉलेज के नेम चेंज करना चाहते हैं और क्लेम का सिस्टम जानना चाहते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।